अस्सलाम वालेकुम स्टडी मसीह बखैर आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे चैनल को लाइक करने का और अच्छे अच्छे कमेंट्स का और सब्सक्राइब करने का। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने किचन में पहली वीडियो है मेरी कि मैं कुकिंग करूँगी, तो इसलिए मैं मीठा बनाना चाहती हूँ। जो मेरी पहली वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ कोकोनट के बिस्किट, जो बहुत इजी है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती, तो आप भी अपने घर में बना सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि कैसे मैं बनाती हूँ कोकोनट बिस्किट। तो यह हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें एक खाली बर्तन, और जिसमें आपने मिक्स करना है कोपरा, जो मैंने तकरीबन 3 कप है मैंने लिए है, 1 कप जो है वो चीनी है, 4 अंडे लार्ज किस्म के। तो ये अभी मैं इसमें, हमें अंडे की सिर्फ सफ़ेदी चाहिए। इसको मैं निकाल के साइड पे रखती हूँ। इसको साइड पे रखे फिर मैं थोड़ी सी तो फ्लफी हो गए। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता से चीनी मिलाते जा रहे हैं। तो ये हमारा अंडे की सफ़ेदी और चीनी जो मैंने मिलाई थी शुगर वो तैयार हो गई है। इसी तरह आप बनाए। अब इसमें हम लोग कोकोनट, क्रश कोकोनट जो है वो मिक्स करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालती जाऊंगी और साथ में मिक्स करूंगी। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी घर में बनाएं तो, मुझे तो बहुत पसंद है। साथ में मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं।
थोड़ा सा मैं और मिलाती हूँ साथ में, आधा कप तकरीबन मैंने, और तो कुल मिला के ये 3.5 कप हो गए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, ये बस सही है। इसी तरह आप भी बनाए। अभी इसमें मैं वनीला एसन जो मैं मिलाऊंगी, उसके कई कतरे, सिर्फ कुछ कतरे मिलाती हूँ, तो ये आप मिला दें। बहुत अच्छी खुशबू आती है, स्मेल और टेस्ट। ये हमारा तैयार हो गया। अभी मैं इसको ट्रे में रखती हूँ। इसी तरह बस चम्मच के जरिए या हाथ से इसी तरह डालते जाए। ये पूरी ट्रे अब मैं इसी तरह डालूंगी। सही है। ये ओवन 350 पे मैंने कर लिया है 350 फारेनहाइट। अभी इसमें कुकी रखते हैं। ये 20 मिनट के लिए मैंने सेट कर ली है, तो 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये जैसा कि टाइम पूरा हो गया 20 मिनट, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारे कुकी तैयार हैं। तो ये तैयार हो गए, अभी काफ़ी गर्म है। आप मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे ये आप देख सकते हैं, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख लेते हैं, फिर तकरीबन ये 5-10 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये हमारे जैसे आप देख सकते हैं कोकोनट जो है बिस्किट वो तैयार है, ठंडे हो गए। तो एक चोटे में आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत मज़े के, बहुत मज़े के। मेरे पसंदीदा है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो ये बहुत जल्दी बनते हैं आसानी से, और जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं होती, तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हो स्नैक के तौर पे, या कोई मेहमान आ रहा हो तो आप जल्दी से। बहुत ही मज़े के हैं। आप घर में ट्राई करके फिर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे मेरे ये कुकी। तो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी है। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो अंडे और क्रश कोकोनट है तो वो आप उसी मिकदार में डालें। तो आप भी इंजॉय करें, और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। आप घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली को आसानी से बना के आप उनको दे सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट में तैयार हो सकते हैं बहुत सारे बिस्किट, और बहुत मज़े के होते हैं। घर के जैसे तो कहीं पे नहीं मिल सकते, तो अपने हाथों पे
से बनाएं और अपने आप को भरोसा रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इसी तरह आप प्यार देते रहेगा मेरे चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं और ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि फिर मैं और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपनी कुकिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।